Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Ghazala Shariq Hasan and today we are going to do our first chapter from the book Footprints Without Feet, and the name of chapter is A Triumph of Surgery by James Herriot. In this chapter you will learn, as the name implies, A Triumph of Surgery. Triumph means jeet, victory. Or surgery means a medical treatment in which your body is cut open so that part of it can be removed or repaired. तो ये surgery का मतलब क्या होता है? आपके body part को cut किया जाता है, आपके जो ताकि उसमें जो भी problem है उसको क्या किया जा सके, तो replace कर दिया जाए या उसको remove कर दिया जाए और उसको ठीक कर दिया जाए. तो इस तरह से इसमें एक surgery होती है और जो कि successful होती है. तो अब किसकी, यानी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो किसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है? इसमें एक डॉग है, ट्रिकी, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और वो सक्सेसफुल होता है. तो ये चैप्टर इंटायरली एक डॉग है, ट्रिकी, उस पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. तो हु इज़ द आई ओवर हेयर? आई इज़ द नैरेटर. नैरेटर दैट इज वेटरनरी डॉक्टर, अ डॉक्टर हु डील्स विद एनिमल्स. तो जानवरों के डॉक्टर हैं. और ये जब इन्होंने ट्रिकी को रोड पे देखा तो ये काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने अपना कार रोका. और जब और उन्होंने जब ट्रिकी को उसकी अपनी ओनर के साथ देखा तो ही वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड उसकी अपीयरेंस पे, जैसा वो दिख रहा था उस पर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए. बहुत ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. और अभी क्या है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है. जो ट्रिकी डॉग है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. अब सॉसेज क्या होता है? सॉसेज एक ईटिंग स्टफ है जिसको खाते हैं, और इसमें क्या होता है, कीमा भरते हैं. तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसमें कीमा भर देते हैं तो काफ़ी फूला फूला सा हो जाता है. तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे कि ये सॉसेज हो और इसके कॉर्नर पे लेग्स हो. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रियोमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और उसकी आंखें क्या थी, आंखों में एकदम रेडनेस थी और उसके नोज और उसके आईज से कुछ वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था. वो एकदम स्ट्रेट देख रहा था और उसका जो टंग है वो बाहर निकला हुआ था उसके जॉल्स से. ये अपीयरेंस थी ट्रिकी की, जो कि एक डॉग है, पेट डॉग है. तो उसकी ये अपीयरेंस थी इस तरह की, जिसको देख के क्या है, जो वेट है, जो नैरेटर भी है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है. मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिसलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. तो मिसेस पम्फ्री जो कि ओनर हैं ट्रिकी की, जो डॉग है उसकी ओनर हैं, वो उन्होंने जब देखा इस तरह से सस्पेक्टिंग आइज देखी नैरेटर की, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये थोड़ा सा हमको एनर्जी लेस लग रहा था मिस्टर हैरियट, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, तो मुझे लगा कि शायद इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मील्स के बीच में एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें देनी शुरू कर दी ताकि वो टू बिल्ड हिम अप, मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके. सम मॉल्ट, मॉल्ट क्या होता है, जैसे मिल्क में जो भी प्रोडक्ट्स, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, जो भी हम लोग मिला के पीते वो हमारे मॉल्ट्स होते हैं. और कॉड लिवर ऑयल, और कॉड जो फिश है उसके लिवर से बनी ऑयल को कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, तो वो एक्स्ट्रा दे रही हैं. और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात में देती हैं ताकि वो अच्छे से सो सके, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं देती हैं उसको. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? ओ आई डिड फॉर अ बिट. But he seemed to be so weak. I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was the trouble. फिर
जो वेट हैं, जो नरेटर हैं, उन्होंने पूछा कि आपने जो मैंने स्वीट्स को बोला था कि आप स्वीट्स की क्वांटिटी उसके फूड में रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, वो आपने किया? तो मिसेस मम्फ्री आंसर करती हैं, जो कि ओनर हैं, डॉग की ओनर, ट्रिकी की ओनर हैं, तो उन्होंने आंसर किया कि हाँ मैंने किया कुछ टाइम के लिए, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर दिखने लगा, तो मुझे वो जो रूड बिहेवियर था कि ये सारी चीज़ें जो मैं कट शॉर्ट कर रही थी, फिर उसको छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो और वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट दैट लिटिल डॉग, और मैंने दोबारा से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा, दैट वॉज द ट्रबल, परेशानी की वजह यही है, यही इन द सेंस कि उसका इतना खाना, उसका इतना ग्रीडी होना, ट्रिकी का फूड को लेके इतना फूडी होना ही उसकी ट्रबल की वजह है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। ट्रिकी की जो सिर्फ एक ही गलती थी, वो उसका लालच था, उसको कभी भी वो फूड को मना नहीं कर सकता था, वो उसको आप दिन में रात में किसी भी आवर उसको कुछ भी दे दीजिए, वो खा लेता था और उसको ईजिली हजम भी कर लेता था, डाइजेस्ट भी कर लेता था। और आई वॉन्डर, नरेटर वॉन्डर्स कि अभी तो इतनी ही चीज़ें मिसेस पम्फ्री ने बताई है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाई होंगी जिनका उन्होंने जिक्र भी नहीं किया है, जिनको उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो फिर डॉक्टर ने पूछा, जो वेट है उन्होंने पूछा कि आप इनको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मतलब आप इसको अच्छे से एक्सरसाइज करवा रहे हो, जब ये इतना कुछ खा रहा है तो एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि बस ये मेरे साथ थोड़ी मोड़ी वॉक कर पाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बट हॉडकिन जो कि क्या है आपका गार्डनर है, तो वो हैज़ बिन डाउन विद द लम्बैगो। लम्बैगो क्या है? आपका लंबर पेन होता है, बैक के लोअर रीजन में जो आपका पेन होता है वो आपका लम्बैगो कहलाता है, तो इस तरह का उसको मस्क्यूलर पेन हो रहा है, और सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो एक तरह का गेम करवाता था ये जो गार्डनर होता था, और कि ये रिंग को थ्रो करता था और उसको ट्रिकी जो डॉग है पकड़ के लेके आता था, तो अभी इन दिनों इस तरह का कोई रिंग थ्रोइंग गेम नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श टोन में जो डॉक्टर, उन्होंने बोला बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में बोला कि अभी मैं इसको कह रहा हूँ और आप इस बात को मान लीजिए कि अगर अभी के अभी आपने उसकी जो फूड की क्वांटिटी है वो कम नहीं किया और ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करवाई, तो वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए, उसको कुछ भी खाने को मत दीजिए। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, I'm sure you're right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब मिसेस पम्फ्री जो हैं, उन्होंने हवा में अपनी हाथ हिलाई और कहा कि ज़रूर, जैसे हाथ हिला के बात करते हैं, तो ज़रूर मैं ज़रूर करूँगी, आप सही कह रहे हैं कि कम करना चाहिए, इसकी ईटिंग हैबिट को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उन्होंने इस तरह से उन्होंने चलना शुरू किया जैसे कि शी वॉज डिटर्मिंड, रोड की तरफ इस तरह चलना शुरू किया कि जैसे वो डिटर्मिंड है कि इस जो न्यू रिजीम है उसको प्रैक्टिस में लाएंगी। अब रिजीम क्या है, यानी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और खाना कम है, इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगी ट्रिकी के लिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट द वेट डेज। ओके,
तो अभी जब ये प्रोग्रेस कर रहे थे, जब ये चल रहे थे, तो डॉक्टर ने, वेट ने, नरेटर ने इनको बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न के साथ देखा, और जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेडी पेस के साथ चल रहा था, बहुत ही हिलते डुलते चल रहा था, और अपने ट्वीड कोट अभी उसने पहना हुआ था, और उसके पास जो ये मिसेस पम्फ्री हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, और अपने जो डॉग है, पेट है ट्रिकी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा वार्डरोब है, और उस वार्डरोब में कभी कोल्ड वेदर के लिए ड्रेस है, कभी रेन कोट है जो कि रेनी डेज के लिए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट उसके पास कोट्स हैं। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडन्ट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग, डिडन्ट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडन्ट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। तो जब भी जब नैरेटर देख रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो चलने में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी से वो चल रहा है, ड्रूपिंग एकदम झुका हुआ सा है, और अपना जो उसका स्ट्रिंग है, जो होता है डॉग के गले में जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, जो पट्टा है, और जो हाथ में लिया हुआ उसके बेल्ट को मिसेस पम्फ्री ने, तो ऐसा लग रहा है वो एकदम उस पर झुका जा रहा है। और मुझे ऐसा देख के ये एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्री मुझे खुद कॉल करेंगी, या उसकी हालत के लिए जो भी कांटेक्ट करेंगी समहाउ, क्योंकि वो जल्द ही बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो जो एक्सपेक्टेड कॉल है वो अभी कुछ ही दिनों में आई। मिसेस पम्फ्री काफ़ी वरीड थी, डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, और ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो कुछ भी, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने फेवरेट डिशेज को भी वो नहीं खा रहा था, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके साथ ही साथ उसको बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग हो रही, थोड़ी थोड़ी देर पे उसको वोमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वो पूरे टाइम अपने रग पे पड़ा रहता था, और पैंटिंग इन द सेंस हाँफता रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वॉक्स पर भी नहीं जाना चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, और कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। तो ये कंडीशन हो गई थी ट्रिकी की, जिसके लिए मिसेस पम्फ्री ने फ़ोन किया डॉक्टर को। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब सिंस मुझे ये आइडिया था, मुझे इन द सेंस कि नरेटर को ये आइडिया था कि मिसेस पम्फ्री उन्हें कुछ ही दिनों में कॉल करने वाली हैं, और एज़ पर दैट आइडिया मिसेस पम्फ्री ने कॉल किया भी, तो इन्होंने पहले से ही एक प्लान डिवाइस कर लिया था कि क्या करना है, और जो जो वाहिद रास्ता उनको समझ में आता था वो ये था कि ट्रिकी को घर से निकाल लिया जाए कुछ दिनों के लिए, फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए उसको घर से निकाल दिया जाए, उसको कहीं और रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्ट नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है ऑलमोस्ट फॉर अ फोर्ट नाइट। फोर्ट नाइट क्या होता है, 15 डेज का टाइम जो होता है फोर्ट नाइट होता है, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना है, जिसके लिए उसका 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुई सूंद। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो जो पुअर बेचारी जो मिसेस पम्फ्री हैं, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने को हो गई, और उनको एकदम श्योर थी कि अगर ट्रिकी ने उनको हर रोज़ नहीं देखा तो वो मर जाएगा, मतलब उसको इतनी आदत है ट्रिकी को। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट वुड बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब लेकिन मैं एकदम डिसाइडेड था कि इसको लेके जाना ही है, ट्रिकी को लेके जाना ही। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, और उसको बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, और मैंने सोच लिया था कि ये बेस्ट है कि उसको बिना देरी किए यहाँ से लेके चले जाएँ। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट।
The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. अब सिंस नैरेटर ने सोचा है कि इसको लेके जाना ही पड़ेगा, तो वो एकदम और बिना देर किए तो वो बस क्या कर रहे हैं, मिसेस पम्फ्री वो पीछे से, मिसेस पम्फ्री जो है उनके रोने के वेलिंग्स, मतलब ज़ोर से रोना, तो रोने की आवाज़ आ रही थी. और मैं आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार के पास तक आया कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. ब्लैंकेट में उस लिटिल डॉग को रैप करके, ब्लैंकेट में लपेट के मैं कार तक आया. और जो पूरा स्टाफ है वॉज राउज, यानी पुट इन टू वर्क, तो वो पूरा जो स्टाफ है वो काम पे लग गया. जो मेड्स हैं वो अंदर बाहर दौड़ भाग करने लगी, उसकी डे बेड ला रही थी, नाइट बेड ला रही थी, जो भी उसके फेवरेट कुशंस हैं, ट्रिकी के फेवरेट कुशंस हैं, टॉयज हैं, रबर रिंग्स हैं, ये सब लेके आ रही थी. ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी और सपर इन द सेंस कि डिनर का जो बाउल है, तो ये सब लेके आ रही है. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ कि इतना सारा सामान है, ट्रिकी का सामान तो बहुत सारा है, और ये सब मेरे, ये सारे स्टफ मेरे कार में नहीं आएगा, मैं जल्दी से, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, Mrs. Pumphrey जो हैं बहुत ही निराशा, बहुत ही despairing cry के साथ एक काफ़ी एक ढेर सारा जो है little coats विंडो से कार में फेंक दिया. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जैसे ही मैं कॉर्नर से होके गुजरने वाला था, तो भी मैंने देखा मिरर से पीछे, तो सभी लोग क्या है, टीयर्स में, सभी लोग आंसू, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग. और जब मैं रोड पे चला गया, जब मैं एकदम फ्री, जब ये लोग काफ़ी थोड़ा सा आगे निकल गया, तो मैंने ग्लांस किया, मैंने देखा जो बेचारा पुअर एनिमल है, मैंने उसको देखा, वो गैस्पिंग, मतलब वो इजीली सांस भी नहीं ले पा रहा था. ऑन द सीट बाय माई साइड आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. और मैंने उसके सर को जब सहलाया अपने सीट में, जो मेरे बगल में ही बैठा था, मैंने जब उसके सर को सहलाया, तो ट्रिकी ने एक ग्रेट एफर्ट किया, एक बहुत कोशिश की और अपना पूंछ हिलाया. तो पुअर ओल्ड लैड, उसने कहा कि बेचारे तुम, आई सेड कि मतलब बहुत ही पैथेटिक लुक है, तो बहुत ही बेचारगी से उन्होंने देखा और कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तुम बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं हो, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा इलाज क्या है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. And other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignore him. Abhi surgery kya hai? At the surgery, surgery is a place where the doctor treats their patients. To abhi patient kaun hai? Tricky. To surgery mein aur bhi dogs the. द हाउस होल्ड डॉग्स, और भी डॉग्स थे उस ट्रिकी जैसे, और वो सब क्या है, जल्दी से जैसे उन्होंने डॉक्टर को देखा, जैसे उन्होंने जेम्स हेरियट को देखा, वो उठ गए और क्विकली इनके आँख इनके चारों तरफ हो गए. और ट्रिकी ने भी नीचे देखा, वो जो नॉइजी पैक था उसको डल आइज से उसने देखा. एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस, और जब उसको नीचे उतारा गया, तो वो एकदम मोशनलेस, बिना हिले डुले ऐसे ही पड़ा रहा कारपेट पे. जो दूसरे डॉग्स थे उसके चारों ओर स्निफ किया कुछ देर तक, और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि वो काफ़ी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर कर दिए वो लोग. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. अभी क्या है, नैरेटर, आई कौन है, नैरेटर, उन्होंने जो कि वेट भी हैं, तो उन्होंने ट्रिकी के लिए
एक जो अदर डॉग्स हैं उन्हीं के जस्ट बगल में उन्होंने ट्रिकी का भी बेड लगाया, एक लूज बॉक्स में, वार्म लूज बॉक्स में उसका बेड लगाया, और 2 दिन तक उन पे नज़र रखी, ट्रिकी पे नज़र रखी, देख रहे थे कि ऑब्जर्वेशन में रखना जैसे बोलते हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे ये बिहेव कर रहा है, और गिविंग हिम नो फूड बट plenty ऑफ वाटर, और उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, क्योंकि ट्रिकी की अभी प्रॉब्लम ही यही थी कि उसने ओवर ईटिंग कर रखी थी, तो उसको खाना नहीं दिया और बस बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के आखिर होते होते, ख़त्म होते होते, ट्रिकी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरमेंट को लेके जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन उसने लो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू किया, विम्पर मतलब जैसे डॉग्स लो साउंड प्रोड्यूस करते, तो उसने ऐसे लो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू किया जब उसने दूसरे डॉग्स को, यार्ड के दूसरे डॉग्स को सुना। तो व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगर्व्ड बाई जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, जैसे ही नैरेटर ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी शॉर्ट स्टेप्स के साथ बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया तो जो जो कि ग्रेहाउंड स्पीशीज का डॉग है, और जो और उसके बाकी जो फ्रेंड्स हैं, डॉग फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो उन लोगों ने क्या किया, जो जो है डॉग जो जो है और उसके जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने उसको रोल ओवर किया और उसको थॉरली इंस्पेक्ट किया, उसको स्निफ किया, और फिर उसके बाद जो बाकी डॉग थे वो गार्डन की तरफ चले गए, ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी जो है उनके पीछे गया रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो रोल करते हुए स्लाइटली गया क्योंकि एक्सेसिव फैट है उसके अंदर, तो बहुत सरप्लस फैट के साथ वो ऐसे ही स्मॉल स्टेप्स के साथ जा रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उसी दिन जो नैरेटर है फीडिंग टाइम पे प्रेजेंट है। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स, अब मैं जब प्रेजेंट था फीडिंग टाइम में प्रेजेंट था, तो मैंने देखा है जो ट्रिस्टन नाम का डॉग है उसने क्या किया, स्लॉप कर दिया अपना फूड जो है जिस तरह से डॉग्स खाते हैं उस तरह से, ऑलमोस्ट एज तक ला दिया है फूड को बोल्स में। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जो पूरे जो फीडिंग टाइम है तो वहाँ पे एक अलग सा रश था, और सभी जो डॉग्स हैं वो एक अलग सी साउंड आ रही थी जिससे हाई स्पीड ईटिंग यानी सब जल्दी जल्दी खा रहे थे और जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन, और सभी डॉग को पता था कि अगर वो अपना खाना टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाया तो जो दूसरे डॉग्स हैं जो अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं वो क्या करेंगे, आके उसके खाने में से खाने लगेंगे, और इस तरह से उसको अपने खाने के लिए ही कम्पीट करना पड़ेगा अपने खाने में से ही। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जब सारे डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी ने एक वॉक लिया, वो वॉक कर रहा था जो शाइनिंग बॉल्स थे उनके चारों ओर, और उसमें से एक आध को उसने लिक भी किया, तो इससे जो नैरेटर हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ट्रिकी को और भूख लगी है। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, और नैरेटर ये देख के खुश हुए कि जो ट्रिकी है वो बहुत एल्बोइंग करते हुए, बहुत ही धक्का मुक्की करते हुए अपने उस बाउल की तरफ जा रहा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. और उसके बाद से उसका प्रोग्रेस जो था काफ़ी रैपिड हो गया था, काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी, कोई भी दवा उसको नहीं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट मतलब कोई भी मेडिसिन से नहीं दी गई थी उसको, और वो पूरे दिन जो है दूसरे डॉग्स हैं उनके साथ दौड़ता भागता था, उनको ज्वाइन किया जाता था, और इन अ फ्रेंडली वे उन्हीं के साथ घूमता रहता था।
He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो वो उसने काफ़ी इंजॉय करता था जब दूसरे डॉग्स उसको रोल कर देते थे या उसके ऊपर चढ़ जाते थे या उसको दबा देते थे थोड़ा, तो वो इन चीज़ों को, यानी जो डॉग्स की कंपनी मिल गई थी, वो इन चीज़ों को इंजॉय करने लगा था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. तो वो अभी क्या हो गया है, सभी जो डॉग थे और उनका जो गैंग था, उनका जो पैक था, उनका जो ग्रुप था, तो उसमें अभी सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. और क्या है, बाकी सारे जो डॉग्स थे उनका जो फर था, उनका जो उनके ऊपर जो डॉग के ऊपर जो रोएं होते हैं, तो वो काफ़ी शैगी से थे, अनकेप्ट थे, बहुत ख्याल नहीं रखा गया था, थोड़ा सा में भी उलझा भी हो सकता है. लेकिन जो ये था, ट्रिकी था, उसका काफ़ी सिल्की था, क्योंकि क्या था, उसकी जो ओनर थी मिसेस पम्फ्री उसका बहुत ख्याल रखती थी, वो पेट था, तो बहुत ही सिल्की था, तो वो लोग भी उसको क्या बहुत स्पेशल ट्रीट करते थे. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. तो अभी उसकी क्या रूटीन हो गई थी, अभी उसको जो भी उसकी कंपेनियनशिप मिली थी उसके डॉग्स में, तो वो उन डॉग्स के साथ फाइट करता था एक टाइगर की तरह, अपने मील के लिए जब मील टाइम होता था तो खाने के लिए उनसे टाइगर की तरह उनसे लड़ता था. और रात में जो हैन हाउस होता है जिसमें मुर्गे मुर्गी रखी जाती हैं, तो उसमें क्या करता था, रैट्स का शिकार करता था. He had never had such a time in his life. अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी ऐसा वक्त नहीं बिताया था. अभी वो बहुत अच्छा वक्त बिता रहा था. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब जब ये सब चीज़ें हो रहा था, जब ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ था, जब वो इंजॉय कर रहा था उनकी कंपेनियनशिप, हंटिंग कर रहा था रैट्स की, तो इन सब चीज़ों के दौरान मिसेस पम्फ्री जो हैं बहुत ही एंक्शियसली क्या करती हैं, होवर्ड मतलब टू मूव अराउंड, तो बहुत ही एंक्शियसली, बहुत ही फिक्रमंद होकर वो चक्कर लगाती हैं अपने बैकग्राउंड में. जैसे कोई आप देखते हो, जैसे कोई रेस्टलेस बंदा या आप रेस्टलेस होते हो, तो कई बार यू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, तो उसी तरह से वो क्या बहुत ही रेस्टलेसनेस के साथ वो इस तरह से चक्कर लगाती थी अपने बैकग्राउंड में. और ऑलमोस्ट डजन टाइम्स, यानी 12 टाइम्स और मोर देन दैट ये कॉल करती थी, ताकि उनको, किसे कॉल करती थी, जेम्स हेरियट को कॉल करती थी, नरेटर को कॉल करती थी, ताकि उनको कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके ट्रिकी के बारे में. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो जो नैरेटर हैं वो काफ़ी सारे क्वेश्चन डॉज कर देते थे, अवॉइड कर देते थे, जैसे कि जो क्वेश्चंस हुआ करते थे कि उसके जो कुशंस हैं वो टर्न किए जा रहे हैं कि नहीं, ताकि उसको आराम मिल सके, मतलब कभी लेफ्ट कर दिया फिर राइट कर दिया, उसके आराम के अकॉर्डिंग उसके कुशंस को टर्न किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या उसने करेक्ट कोट पहना है कि नहीं, वेदर के अकॉर्डिंग, जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग उसने कहीं ऐसा नहीं है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और उसी में उलन कोट पहन लिया है, या बहुत ठंड लग रही है और उसमें उसने समर वाली कोट पहन ली है, तो मतलब कि करेक्ट कोट जो वेदर के अकॉर्डिंग उसकी जो कोट है वो पहन रहा है कि नहीं, तो इन सारे क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन टर्न करने वाले क्वेश्चन को, या कोट उसने ठीक पहनी है, वेदर के अकॉर्डिंग पहनी है कि नहीं पहनी है, इन सारे क्वेश्चंस को जो नैरेटर हैं वो अवॉइड कर देते थे. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वर्सिंग रैपिडली. लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बता पाता था कि जो ट्रिकी है वो अब ख़तरे से बाहर है और बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है, अपनी जो इलनेस उसको हो गई थी वो उससे बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब जो word convulsing इन्होंने use किया, narrator ने use किया, तो ऐसा लगा कि ये word सुनते ही कुछ हो गया Mrs. Pomfrey को. वो क्या fresh eggs लेके आने लगी, 2 dozens, मतलब कम से कम 24 एग जो है एक बार में, इतने एग लेके आने लगी, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रिकी बीमार था और अब क्या हो गया, कन्वल्सिंग हो गया, यानी अब रिकवर कर रहा है तो उसको अब स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होगी. तो वो क्या करती थी, उसके लिए फ्रेश एग्स लेके आती थी और एक बार में कम से कम 2 dozen लेके आती थी.
For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अभी क्या है, कुछ हैप्पी पीरियड के लिए अब एक बार में अगर 2 dozen एग लेके आ रही हैं, तो फिर से ट्रिकी ने जो रिकवर किया, ट्रिकी को प्रॉब्लम क्या थी, उसको ओवर ईटिंग की ही तो प्रॉब्लम थी, तो अभी दोबारा से तो उसको इतना सारा एग नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए जो नैरेटर हैं और उनके पार्टनर्स हैं वो क्या हैं, ब्रेकफास्ट में सभी लोग 2 अंडे खाते थे, लेकिन तब तो मतलब और ज़्यादा मतलब क्या कितना लैविश लाइफ स्पेंड करती हैं और कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं मिसेस पॉम्फ्री ट्रिकी का, ये तब पता चला जब उन्होंने क्या किया, वाइन की बॉटल्स भी लाना शुरू कर दिया. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अभी क्या है, ये इसलिए आया था, जो वाइन है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वाइन इसलिए आता है ताकि ये ट्रिकी के ब्लड को इनरिच कर सके. और अभी क्या हो गया, लंच जो है वो सेरेमोनियल ओकेजन हो गया इनको लोगों के लिए, जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी सेरेमोनियल थिंग हो गई, काफ़ी लाविश सी थिंग हो गई. अभी लंच से पहले 2 glasses ऑफ वाइन पीते हैं सारे हॉस्पिटल के लोग, फिर उसके बाद जब मील जब कर रहे होते हैं तो उसके बाद भी उसके ड्यूरेशन में जब उनका मील टाइम चल रहा होता तो उसमें भी ये कई बार वाइन पीते हैं. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो अभी पहले क्या है, मिसेस पॉम्फ्री ने पहले एग भेजे, फिर उसके बाद वाइन भेजा. अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल था बिलीव करने में कि उन्होंने ब्रांडी भी भेजा ट्रिकी के लिए. और उनका ओपिनियन क्या था कि ट्रिकी की अभी जब तबीयत ठीक नहीं थी, अभी जब रिकवर कर रहा है, तो इससे क्या होगा, वो उससे और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो कुछ रातों तक तो क्या किया, उसको रोल अराउंड किया, उसको इनहेल किया और उसको बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल के लोगों ने पिया. तो अभी क्या है, ये जो डेज हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइंग डेज हैं जो हॉस्पिटल के लोग हैं उनके लिए. और ये स्टार्ट होता है डे कैसे, एक्स्ट्रा एग के साथ शुरू होता है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. अभी क्या है, उसके बाद दिन में जो है वाइन चलती है और फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी. और अभी एंड रात की एंड किससे होती है, एंडिंग किससे होती है, पहले सुबह में एग खा लिया और दोपहर में वाइन हो गया और रात में लग्जरियसली एकदम जैसे अराउंड द फायर बैठ के और आराम से ब्रांडी ड्रिंक करते हैं. तो इस तरह से उन लोग लाविश लाइफ स्पेंड कर रहे थे हॉस्पिटल के लोग बिकॉज ऑफ मिसेस पॉम्फ्री. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पॉम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अभी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं उनकी बहुत अच्छी लाइफ जा रही है. तो क्या है, एक तरह से टेम्पटेशन है, एक तरह से मतलब लालच है कि ठीक है इसको ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखते हैं. लेकिन जो नैरेटर है उनको पता है कि मिसेस पॉम्फ्री जो है वो एकदम सफ़र कर रही होंगी, बहुत परेशान होंगी, इसलिए जब 15 days हो गए तो उन्होंने एक ड्यूटी समझी कि क्योंकि उनको पता है मिसेस पॉम्फ्री बहुत परेशान है, तो वो कंपेयर्ड थे, फोर्स थे कि कॉल करें. कॉल किया उन्होंने मिसेस पॉम्फ्री को और बताया कि अब लिटिल डॉग रिकवर कर चुका है और अब आप इसको आके इसको लेके जाइए. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और जैसे ही कॉल किया उसके आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 30 feet लंबी जो एक शाइनिंग चमकती हुई ब्लैक कलर की कार जो है वो सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. तो जो ड्राइवर है, शॉफर इन द सेंस जो ड्राइवर है, उसने कार का डोर खोला और उसमें सिर्फ मिसेस पॉम्फ्री को ये देख पाया, अंदर वो बैठी हुई थी तो बस एक झलक सी देख पाए मिसेस पॉम्फ्री की, जो नैरेटर हैं
James Herriot. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Herriot, do tell me the truth. Is he really better? तो अभी जैसे उनकी कंडीशन है कि हाथ को टाइटली एकदम क्लास्प किया हुआ है और अब लिप्स जो है उनके अभी भी कांप रहे हैं, किसके? मिसेज पॉम्फ्री के. तो उन्होंने और बहुत ही ये सब चीज़ें, मतलब इससे पता चल रहा है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं. शी इज़ एक्सट्रीमली वरीड इवन नाउ. तो और उन्होंने पूछा मिस्टर हेरियट से कि आप मुझे सच बताइए, क्या वो अब सच में ठीक है कि नहीं है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. तो उन्होंने कहा कि हाँ अब वो एकदम ठीक है, आपको कार से उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडस्ट ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो जब मैं हाउस में गया, घर के अंदर गार्डन में गया, तो एक देखा कि मास ऑफ डॉग्स थे जो कि चारों ओर घूम रहे थे लॉन में, और उनके बीच में एक अपना कान हिलाता हुआ, अपनी पूंछ हिलाता हुआ गोल्डन कलर का ट्रिकी था उन सारे डॉग्स के बीच में. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अभी क्या है, दो हफ्ते से पहले क्या वो चल भी नहीं पा रहा था, अनस्टेडी वॉक थी, लड़खड़ा सा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल से चल पा रहा है. दो हफ्ते बाद वो एकदम इंटायरली क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था. अब काफ़ी उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो गई थी, मसल्स उसके स्ट्रांग हो गए थे, हार्ड हो गए थे, और वो जो ये डॉग के जो पैक हैं, जो ग्रुप है, झुंड है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था, स्ट्रेचिंग आउट इन, और उनके साथ वो स्ट्रेच करता था, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और जब वो स्ट्रेच करता था तो उसका चेस्ट जो है ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करता था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच करता था. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. The chauffeur was still holding the car door open, and when the tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब मैं उसको पैसेज से लेकर पैसेज से होते हुए मैं उसको घर के फ्रंट में लेके आया, और वहाँ पे जब आया तो देखा जो शॉफर है, जो ड्राइवर है, उसने अभी तक कार का दरवाज़ा खोले हुए रखा था. और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी ओनर को देखा, तो उसने नैरेटर के आर्म से छलांग लगा के वो जाके मिसेस पम्फ्री के गोद में छलांग लगा के जल्दी से चला गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. अब अचानक से वो चौकी ओ बोला उन्होंने, और उसके बाद से उनको खुद को बचाना पड़ा, जैसे ट्रिकी ने उनको पूरी तरह से घेर लिया था, उनको उनके फेस को लिक कर रहा था और बार्क कर रहा था बहुत ज़्यादा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बिन यूज. अभी ये सब जब चल रहा था, ट्रिकी और जो उनकी ओनर है मिसेस पम्फ्री, ये दोनों जब मिल रहे थे, तभी उसी दौरान मैंने ड्राइवर की हेल्प की, और ड्राइवर की हेल्प से जो बेड है, टॉयज है, कुशंस है, कोट्स हैं, और जो बॉल्स हैं जो कि ट्रिकी के साथ आए थे, जो भी उसके बिलोंगिंग्स, वो सब मैंने गाड़ी में रखवाई, और इसमें से कोई सा भी कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल. और जैसे ही कार मूव हुई तो मिसेस पम्फ्री जो है विंडो पे झुकी, उनके आंखों में आंसू थे और उनके लिप्स जो उनके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो अब वो बोली, ओ मिस्टर हेरियट, उन्होंने रोते हुए कहा ऑलमोस्ट, और मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये आपके हॉस्पिटल की विक्ट्री है, ये आपके ट्रीटमेंट की विक्ट्री है कि अभी ट्रिकी ठीक हो गया है. और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है. आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जहाँ पे भी, पहले तो आप चैप्टर को खुद से रीड करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और हम इससे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में. थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग. थैंक यू.